हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मास्क यानी तमाशा लीला नाटक जो लिखा है जॉन मिल्टन ने। इस मास्क का नाम है अ मास्क प्रेजेंटेड एट लडलो कासल 1634, लेकिन इसे कॉमनली हम कॉमस के नाम से जानते हैं। इस प्ले में जॉन मिल्टन चेस्टिटी के बारे में बात करते हैं। इस प्ले में एक लेडी है जो चाहती है कि वो जिंदगी भर चेस्ट रहे, यानी कि शी डजंट वांट टू इंडल्ज इन एनी सेक्सुअल एक्टिविटी इन हर लाइफ। इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा नाटक है। आपको ये नाटक जरूर पसंद आएगा और अच्छा भी लगेगा। इस वीडियो को देखते हुए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इस प्ले में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है अटेंडेंट स्पिरिट। ये एक आत्मा है और हम इंडियंस आत्मा को हिंदी में स्त्रीलिंग मानते हैं, तो हम आत्मा आ रही है, आत्मा कह रही है, लेकिन इस आत्मा का जो जेंडर है वो मेल है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, हम बोलेंगे कहती है, लेकिन आप ध्यान रखें कि वो मेल है जो आत्मा है, बाकी वो आपको फोटो से अंदाजा हो जाएगा उस चीज का। वीडियो के लास्ट में मैंने कॉमर्स से रिलेटेड कुछ सवाल किए हैं, आप उनके जवाब जरूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं उन सवालों के जवाब। प्ले शुरू होता है बहुत ही क्लासिक तरह से। एक स्पिरिट जन्नत से उतरती है जिसे हम द अटेंडेंट स्पिरिट के नाम से जानेंगे। स्पिरिट हेवन और अर्थ के बीच का डिफरेंस बताती है। अटेंडेंट स्पिरिट यह भी बताती है कि अर्थ और इंसानी शरीर एक पिंजरा है जिसमें आत्मा कैद रहती है। अटेंडेंट स्पिरिट आगे कहती है कि उसे जोव ने भेजा है। जोव एंशिएंट रोमन रिलीजन और माइथोलॉजी में किंग ऑफ गॉड्स हैं। उनका दूसरा नाम जुपिटर है। जोव ने स्पिरिट को उन लोगों की मदद करने को भेजा है जो इस लैंड पर रूल कर रहे हैं। स्पिरिट का मानना है कि वर्चुअस लोगों को प्रोटेक्ट करना उसकी जिम्मेदारी है। इसके बाद स्पिरिट दावा करती है कि वह एक ऐसी कहानी सुनाएगी जिसे ना पहले कभी सुनाया गया और ना ही सुना गया। कहानी शुरू होती है जब एंट्री होती है कॉमस की। कॉमस गॉड बैकस और निम्फ सिर्स का बेटा है। बैकस शराब के देवता थे और सिर्स, जिसे सस भी पढ़ा जाता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर आर साइलेंट भी करते हैं कुछ लोग, जो सस यानी सिर्स हैं उनके पास लोगों को लॉयन वुल्व स्वाइन में बदलने की शक्तियाँ थी। तो पिता जो थे कॉमस के वो तो शराब के देवता हैं और मम्मी जो हैं वो एक तरह से विच हैं। कॉमस के पास अपने माँ बाप के दिए गिफ्ट्स हैं, वो लालच और पाप का सिंबल है। कॉमस के पास ऐसी शक्तियां हैं जिनसे वो एक पोषण पिलाकर लोगों को करप्ट करके उन्हें अपना गुलाम बना लेता था, जो जानवरों की तरह कॉमस का हर ऑर्डर मानते थे। कॉमस का कैरेक्टर पैराडाइज लॉस्ट के सैटर्न के कैरेक्टर से बहुत मेल खाता है। कॉमस चालाक है और बहुत डिजायरियस है। वो ट्रैवलर्स को धोखा देकर उन्हें वाइल्ड एनिमल्स में चेंज कर देता है जब कोई ट्रैवलर उसकी ड्रिंक पीने को तैयार हो जाए तो। कॉमस कहता है कि रात का इस्तेमाल सोने के लिए नहीं बल्कि अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए करना चाहिए। उसे कदमों की आहट सुनाई देती है। वो कदमों की आहट सुनकर कहता है कि इस तरफ जो आ रहा है वो एक कुंवारी लड़की है। वो अपना रूप बदलकर एक सिंपल गांव वाला बन जाता है ताकि लड़की का ट्रस्ट जीत सके। वो जो कुंवारी लड़की आ रही है, हम उसे प्ले में सिंपल द लेडी बोलेंगे। लेडी अपने भाइयों से बिछड़ गई है, तभी उसका सामना कॉमस से होता है। कॉमस ने इस वक्त एक कॉमन मैन का रूप धारण किया हुआ है। कॉमस कहता है कि वो उसकी उसके भाइयों को ढूंढने में मदद कर सकता है क्योंकि वो जंगल को अच्छे से जानता है। जंगल में ही लेडी अपने भाइयों से बिछड़ी है। लेडी कॉमस के पीछे पीछे चल पड़ती है। लेडी रॉयल फैमिली की मेंबर है और ऑलमोस्ट उसके पास सुपरनेचुरल प्रोटेक्शन है जो उसकी चेस्टिटी की रक्षा करती है, यानी उसके सतीत्व की, उसकी इज्जत की। यही सुपरनेचुरल प्रोटेक्शन उसे इनविजिबल अटेंडेंट स्पिरिट देखने के काबिल भी बनाती है। लेडी की प्योरिटी ही कॉमस को अट्रैक्ट करती है और वो ठान लेता है कि वो उसे करप्ट जरूर करेगा, उससे पाप जरूर करवाएगा। उसके बाद लेडी के दोनों भाइयों की एंट्री होती है जो बताते हैं कि वो अपनी बहन से कैसे अलग हुए। तीनों भाई बहन अपने पिता के किंगडम की तरफ जा रहे थे, तभी वो जंगल से गुजरे। लेडी बहुत थक गई थी इसलिए वो आराम करने को रुक गई।
दोनों भाई खाने के लिए बेर लेने चले गए। अचानक से जो तारे और चांद आसमान को चमकाए हुए थे उन्हें बादलों ने ढक लिया। दोनों भाई अपनी बहन को नहीं ढूंढ पाए। दोनों भाइयों को अपनी बहन की चिंता होने लगी। उन्हें एहसास था उनकी बहन की इज्जत और चेस्टिटी खतरे में है। छोटा भाई ज़्यादा वरीड रहता है, लेकिन बड़े भाई को यकीन है कि उसकी बहन की हमेशा चेस्ट रहने की डिज़ायर उसे बचा लेगी। उसके वर्च्यूज उसकी रक्षा करेंगे और कुछ नहीं होगा। छोटा भाई जल्द ही डाउट करने लगता है और जल्द ही डर भी जाता है। ज़्यादातर ये गलत होता है और इग्नोरेंट है। बड़ा भाई इसे चेस्टिटी और फिलॉसफी के बारे में नॉलेज देता है। उसी से ऑडियंस को भी नॉलेज मिलती है। दोनों भाइयों की बातचीत इंटरप्ट हो जाती है जब अटेंडेंट स्पिरिट एक शेफर्ड यानी चरवाहे के भेष में उनके पास आती है। वो अपना नाम थायरसिस बताता है। चरवाहा उनसे पूछता है कि उनकी बहन कहाँ है। तब वो बताते हैं कि वो उनसे बिछड़ गई है। अटेंडेंट स्पिरिट यानी चरवाहा थायरसिस दोनों भाइयों को कॉमस के बारे में बताता है कि कैसे वो मासूम लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। चरवाहा उनकी मदद करने का भरोसा दिलाता है और वो लेडी की खोज में निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ लेडी कॉमस के महल में पहुंच जाती है, जहां कॉमस उसे एक जादुई कुर्सी पर बैठा कर उसे लालच देता है कि उसकी वो ड्रिंक पी ले। उसके हाथ में एक कप होता है जिसमें मैजिक ड्रिंक होती है। उसे कॉमस के महल में रानी बनने का लालच दिया जाता है, लेकिन वो चेस्ट रहने का डिसाइड करती है। वो प्रूव करती है कि वो अपनी अर्थली और सेक्सुअल डिज़ायर्स को कंट्रोल कर सकती है। कॉमस लगातार उसे मनाने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि तुम अपनी खूबसूरती वेस्ट कर रही हो सेक्सुअलिटी को डिनाई करके, लेकिन लेडी फिर कहती है कि वो चेस्ट एंड मोरल रहना चाहती है। दोनों भाई और स्पिरिट वहां आते हैं और कॉमस को हरा कर भगा देते हैं। लेडी अभी भी जादुई कुर्सी पर बंधी होती है। अटेंडेंट स्पिरिट एक अप्सरा निम्फ जिसका नाम सबरीना है उनको बुलाता है, जो कॉमस के कर्स को अंडू कर देती हैं, क्योंकि लेडी अभी भी चेस्ट है। वो लेडी के ब्रेस्ट, फिंगर्स, लिप्स और चेयर पर पवित्र पानी की बौछार करके कर्स को हटा देती हैं और गायब हो जाती हैं। प्ले के एंड में भाई और लेडी अपने पेरेंट्स के महल में सेफली पहुँच जाते हैं, जहाँ वो सेलिब्रेट करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चार काम जरूर करिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से वीडियोस बनाता रहूं, तो आप मुझे पैट्रॉन पर सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you.